बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले बहुत ही खूबसूरत प्रोमो हमें लगा, और एक चीज़ हमें दिखा कि आप प्रोमो में बड़ी इमोशनल हो जाती है, जहाँ पर आपका एक बड़ा बेटा वापस आता है, वो समझ नहीं आया, मतलब नाराज आपका बेटा या क्या कुछ है, पहले बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल आज आपने जो प्रोमो देखा वो हमने भी पहली बार देखा है, और मेरी दिल की धड़कनें बढ़ गई थी कि इतना सुंदर, इतना लैविश टेलीविजन पे कुछ आ रहा है, लोग चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते ये शो। इट्स अ ब्यूटिफुल शो। देखो हर शो में हर एक्टर यही बोलता है, बट मैं ना इस काम के लिए, इस शो के लिए शायद 3 साल रुकी, मतलब नॉट दिस शो बट एक ऐसा शो हो मेरा, ऐसा मेरा मेरी इच्छा थी कि आफ्टर डूइंग रजनीकांत, आफ्टर डूइंग जीजी माँ, मुझे कुछ ऐसा करना था जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और एज एन एक्टर मुझे अपील करे। सो ये जो सरोज चौधरी का कैरेक्टर है, एक दो परिवारों की स्टोरी है, एक रीज़न की वजह से कैसे एक दूसरे से दूर होते हैं, प्यार है, एक कड़वाहट है, उसके साथ कैसा पूरा परिवार डील करता है, प्लस बच्चों के साथ रिलेशंस है, एंड एक छोटा सा इंसिडेंस दो फैमिलीज की लाइफ कैसे बदल देता है, इट इज़ ऑल अबाउट दैट, एंड इट्स अ कंप्लीट पैकेज। इट्स नॉट जस्ट किचन पॉलिटिक्स और अ लव स्टोरी, नथिंग लाइक दैट। यू विल गेट ऑल द एलिमेंट्स इन दिस शो, एंड जैसे इस शो का नाम है वो तो है अलबेला। शहीद का जो कैरेक्टर है, आई थिंक ये कैरेक्टर हर एक्टर का ड्रीम होगा। आई थिंक शहीद इज़ वेरी लकी, प्लस वी आर लकी टू हैव शहीद बिकॉज ही इज़ अ ब्यूटिफुल बॉय प्लस अ ग्रेट एक्टर, एंड ही हैज़ डन लॉट ऑफ वर्क इन द पास्ट ऑन टेलीविजन। सो उसकी जो एक फैन फॉलोइंग है, स्पेशली लड़कियाँ और स्पेशली 40 साल के ऊपर की लड़कियाँ, आई एम श्योर कि वो लोग इस शो को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे, बिकॉज हमने शहीद को जिस तरीके से अभी तक देखा है, इस बार वो कम्प्लीटली अलग तरीके से दिखने वाला है, सो पीपल आर गोइंग टू एन्जॉय इट। ओके, जैसा आपने कहा शहीद बहुत ही प्यारे हैं, रियल लाइफ में भी बहुत मस्ती हो रही है, मतलब सेट पर मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा मस्ती कोई नहीं कर सकता, बट यस शहीद मेक्स हिज प्रेजेंस फील गुड। जो 12 घंटे की थकावट होती है, जो चिड़चिड़ाहट होती है कुछ छोटी छोटी चीज़ों से, इट इज़ नॉर्मल, बट बहुत ज़रूरी है टू हैव प्लेजेंट पर्सनैलिटीज। आज ही इज़ अ स्टार, but he never carries that with him, likewise with Hiba also. So ye dono bacche bahut hi suljhe hue aur bahut hi pyare hai, plus they are very good actors, that is very important.